पिछले 29 दिन के करीब अपनी कुछ 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से धरना प्रदर्शन की अनुमति लेके और धरने पर बैठे हैं। उन मामलों पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है, इसी को लेकर हम सब धरने पर हैं। तो मुख्य क्या मांगे हैं और आगे किस तरीके की रणनीति? सबसे बड़े मुद्दों में वेतन विसंगति के मुद्दे हैं एक तो, जिसमें केंद्र के समान वेतन भी नहीं है और राज्य में भी जो हमारे समकक्ष कैडर है उनसे हमारे वेतन में काफी विसंगति है, वेतन भत्तों में विसंगति है। साथ ही साथ जो प्लेसमेंट एजेंसी से लिए जाते हैं नर्सेज, उनको बिल्कुल ना के बराबर वेतन दिया जाता है। 7,000 जैसा न्यूनतम वेतन जो सरकार द्वारा निर्धारित है उससे कम दिया जाता है, ऐसी कुछ मांगे हैं। नर्सिंग निदेशालय की स्थापना है, कैडर रिव्यू है, ऐसी डिटेल में कुछ मांगे हैं हमारी। आज से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा? आज से 25 अगस्त तक समस्त स्तरों पर CHC, PHC, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब जगह सभी प्रकार की नर्सेज द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार और धरना रहेगा। केवल इमरजेंसी सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है और 25 अगस्त को हम सब जयपुर पहुंच करेंगे। नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 28 दिन से हमारा ध्यान आकर्षण धरना चल रहा है। उसी क्रम में आज दिनांक 16 से 24 तक सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लगातार कार्य बहिष्कार किया जाएगा तथा 25 तारीख को संपूर्ण राजस्थान में सामूहिक अवकाश लेकर के दिल्ली में जयपुर में महारैली करेंगे, महापड़ाव डालेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांगे तब तक नहीं मानी तो हम उग्र प्रदर्शन भी करने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन क्या मांगे आप? मुख्य हमारी मांग है वेतन विसंगति, नर्सिंग निदेशालय की स्थापना और जो संविदा पे लगे हुए हैं उनको संविदा काल से नियमित वेतन सरकला दी जाए, उनको ACP का लाभ दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांगे रहेगी। Thank you.